आज हम अस्तर वाले ब्लाउज का बाजू का डिजाइन बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने 5.5 इंच का बाजू कट किया है और साथ ही हमने इसका अस्तर भी कट करके रख लिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ सेंटर से 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम नीचे की ओर 2.5 इंच या फिर 3 इंच पर एक मार्क करेंगे। मैंने 2.5 इंच पर एक मार्क कर लिया है। अब हम इसे गोलाई में शेप देते हुए कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसे गोलाई में मार्क करेंगे, इसके बाद यहाँ से इस तरह का एक निशान लगाएंगे और ये हमारा 1/2 इंच जो सिलाई में दब जाएगा उसके लिए हम मार्क करेंगे। इसके बाद हम इसे ऐसे पलट के दोनों तरफ निशान बना लेंगे। ये देखिए कुछ इधर इधर भी हमारे निशान लग गए हैं। अब इसी पे हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हम इस गोलाई की कटिंग कर लेंगे। हमें सिर्फ इसकी ही कटिंग करनी है, इस ये निशान हमें ऐसे ही रहने देना है। ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम अपना डिज़ाइन तैयार करेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हम गोल्डन कलर का चकोर शेप में कपड़ा लेंगे और चकोर शेप में ही इससे एक छोटा पिंक कलर का कपड़ा लेंगे और इससे हम अपना डिज़ाइन तैयार करेंगे। सबसे पहले हम गोल्डन कलर के कपड़े को एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर हम चलिए इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। पहले इसमें हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस कपड़े को एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। इसके बाद यहाँ से इसको ऐसे शेप देंगे और फिर यहाँ से ऐसे, इसे हमें इस पर लगाना है। इस तरह से रख के हम इस पर सिलाई चला लेंगे। ये देखिए हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। इसी तरह के हमें ढेर सारे डिज़ाइन बना लेने हैं। इसके बाद हमने जो डिज़ाइन तैयार किया था उसे हम इस निशान पर लगाते जाएंगे। सबसे पहले हम एक डिज़ाइन ऐसे बीच में लगाएंगे। ये हमने इसे बीच में लगा लिया है। अब हम सारे डिज़ाइंस को इस पर लगाते जाएंगे। एक साइड हमारा डिजाइन लग गया है। अब हम इस साइड भी इसे लगा लेंगे। ये देखिए ये डिजाइन हमारा लग के रेडी है। अब हम अपना अगला डिजाइन बनाएंगे। हमने इस पर लेस लगा लिया है। अब हम इस पर अपना लेस लगाएंगे। ये देखिए हमारा डिजाइन बनकर रेडी है।
इसे और अच्छा लुक देने के लिए हम इस पे मोती लगाएंगे।